बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न, कुल 560 में से 554 मतदाताओं ने किया मतदान। नागपुर के विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनावी समीकरण पर नगर सेवकों की प्रतिक्रिया। और पहली से सातवीं कक्षा की स्कूल शुरू करने का निर्णय स्थगित, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार 10 दिसंबर को संपन्न हुए। विधान परिषद के नागपुर स्थानीय निकाय चुनाव हेतु मतदान में कुल 560 मतदाता थे, जिनमें से 554 मतदाताओं ने मतदान किया। ज्ञात हो कि भाजपा के वरिष्ठ पार्षद और संघ के स्वयंसेवक छोटू भोयर ने अचानक पार्टी छोड़ कांग्रेस में प्रवेश कर सबको चौंका दिया था, जबकि भाजपा ने ये चुनाव उनके प्रतिष्ठा का बना लिया था, जिसके बाद मतदान के एक दिन पहले छोटू भोयर से समर्थन कांग्रेस ने वापस ले लिया और शुक्रवार को चुनाव के लिए मतदान किए गए 560 मतदाताओं पर सबकी नजर थी। सुबह सुबह मतदान 15 मतदान केंद्रों पर शुरू हुआ, जिनमें से शाम होते होते 554 मतदाता वोट कर पाए, जबकि 5 मतदाता ने वोट नहीं किया। वही एक मत अवैध किया गया, जिसमें मनपा के 4 जिला परिषद के 1 और कामठी से 1 का समावेश है। शुक्रवार को संपन्न हुए चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मतगणना 14 दिसंबर को होगी। वही विधान परिषद के नागपुर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नागपुर तहसील कार्यालय पहुंचे पार्षद मतदान करने के बाद बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए। ज्ञात हो कि राजनीतिक उठापटक के बाद गुरुवार को कांग्रेस के खेमे में बड़ी उथल पुथल थी। इस बात की नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। आइए देखते हैं आखिर किसने क्या कहा। इलेक्शन महत्त्वाचं आहे, पण आमच्या समोरच्या पक्षाने हे इलेक्शन आमच्याकरता सोपं केलं असं तुमचंच म्हणणं आहे। 12 तास इलेक्शनला राहायच्या आधी जर तुम्ही उमेदवार बदलता, संघाचा स्वयंसेवक म्हणून उमेदवार बदलतो आणि मग मंगेश देशमुखवर 6 भाजपच्या नगरसेवकांच्या सूचक म्हणून साहेब, मग तो कसा काय चालतो? त्यामुळे त्यांनी परत एकदा दाखवून दिलं की त्यांना काही कोणाशी घेणं देणं नाही, त्यांना वाटेल ते करू शकणार, त्यांची इच्छा आहे, त्यांनी ते केलं आहे। माननीय बावनकुळे साहेब हे 400 जास्त मतांनी 14 तारखेला विजयी होतील असा आम्हाला आत्मविश्वास आहे, ओव्हर कॉन्फिडन्स नाही। आणि आमचे सगळे लोक नियतशीर नीट मतदान करतील आणि आता मतदान सुरू झालं आहे, अर्ध्या पाऊण तासात भाजपचं नागपूर शहरातलं मतदान संपलं। त्याच्यात काही परिणाम होण्यासारखं काही आहे नाही। या मतदार हा हुशार मतदार आहे, त्याच्यामुळे काही फारसा त्याच्यात काही फरक पडणारा नाही आहे, परंतु काँग्रेसचा काही असेल की त्यांनी तो उमेदवार बदलवला। काँग्रेस हायकमांडचा जो निर्णय असतो तो काँग्रेसचा कार्यकर्ता म्हणून आम्हाला तो मान्य करावा लागतो आणि त्यानुसार हायकमांडने जो दिलेला निर्णय आहे त्या निर्णयासोबत आम्ही आहोत। प्रदेशाध्यक्षांचा उमेदवार ऐनवेळी बदलणं हे कितपत योग्य वाटतं? प्रदेशाध्यक्षाचा उमेदवार म्हणून नाही, पक्षाने दिलेला उमेदवार होता आणि पक्षाने परत दुसरा उमेदवार दिला तर त्याच्यासोबतही पक्ष उभा आहे। नागपूर मनपा द्वारा ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए शहर में पहली से सातवीं तक स्कूल शुरू करने पर स्थगिति लगाई गई है। मनपा आयुक्त द्वारा स्कूल संबंध में नए आदेश दिए गए हैं। कोरोना के नए विषाणु ओमिक्रॉन का असर देखते हुए नागपुर महानगर पालिका ने मनपा क्षेत्र की पहली से सातवीं तक की स्कूल खोलने पर स्थगिति दी है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस संबंध में आदेश शुक्रवार को जारी किए। कोरोना स्थिति का जायजा लेकर 15 दिसंबर के बाद स्कूल शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही कक्षा 8वीं से 12वीं तक स्कूल पहले की तरह शुरू रहेंगे। मनपा आयुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे कोविड नियमों का पालन करें व मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आह्वान किया है। भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई कर उससे 3 लाख रुपए लूटे जाने का मामला खापरखेड़ा में सामने आया है। रोहना रोड झूला लाइन परिसर में ये वारदात हुई। अज्ञात लुटेरों पर मामला दर्ज करने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव किया। खापरखेड़ा में भाजपा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई कर 3 लाख रुपए लूटने की घटना सामने आई है। रोहना रोड झूला लाइन परिसर में 8 दिसंबर शाम के समय ये घटना घटी।
पुलिस द्वारा लुटेरों पर मामला दर्ज करने में देरी होने से ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया। आखिरकार पुलिस ने रात 9 बजे के करीब अज्ञात 9 लुटेरों पर मामला दर्ज किया है। भाजपा कार्यकर्ता सुनील प्रभाकर गोमकाले ने सावित्रीबाई महिला ग्रामीण खेती सहकारी पत संस्था से 3 लाख का कर्ज निकाला। इसी बीच रोहना परिसर में कुछ अज्ञात लुटेरों ने उनकी रॉड डंडे से पिटाई कर 3 लाख रुपए उड़ा ले गए। सरपंचाची अवहेलना केली त्यांनी आणि सरपंचाला धक्कामुक्की करून मारहाण केलं आणि त्याच्यासोबत त्याचे काही कार्यकर्ता होते त्यावेळेस तक्रार केली, परंतु त्या तक्रारमध्ये काय केलं की भटकर साहेबांनी गुन्हे दाखल न करता उद्या FIR ची कॉपी देऊ म्हणून आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी सरपंचावर आणि अर्जदारावर प्रेशर आणून ते सेटलमेंट करण्याचं काम या भटकर साहेबांनी केलं आणि त्याच्यानंतर आज ही घटना घडली। 22-17 आपला पवन जो गोमकाळे आहे त्यांनी एक इथं रिपोर्ट दिली आहे की माझ्या जीवाला धोका यांच्यापासून नाव दर्ज प्रकाश खापरेच्या नाव दर्ज रिपोर्ट दिली आहे की माझ्या याच्यापासून मला धोका आहे जीवाला, परंतु खापरकडा पोलीस स्टेशनने त्याच्यावर कोणतीच दखल न घेता आज ही घटना घडली। त्यावेळी जर हे दखल घेतली असती त्या पत्रावर तर आज हे दखल घटना घडली नसती, त्याची जबाबदारी सारी खापरकडा पोलीस स्टेशनची थानेदारांची आहे। मेडिकल चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन पर आई एक महिला के कपड़ों पर पेट्रोल के छींटे उड़ने पर वो बौखला गई और तैश में आकर पंप के पुरुष कर्मचारी से असभ्य व्यवहार कर उसके साथ मारपीट करने लगी, बल्कि उसने डस्टबिन का डिब्बा उठाकर कर्मचारी को मार दिया। इसी बीच उसी पंप पर तैनात महिला कर्मचारियों से कुछ कहा सुनी होने पर 3 महिला कर्मचारियों ने वाहन चालक महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ये मामला इमामवाड़ा थाने पहुंचा। इस मामले में इमामवाड़ा पुलिस ने सूचना पत्र देकर महिला को छोड़ा। पुलिस ने महिला के खिलाफ असंगे अपराध दर्ज कर उसे सूचना पत्र देकर छोड़ दिया। इस बारे में इमामवाड़ा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि हंगामा करने के बाद पेट्रोल पंप से उस महिला को थाने लाने के बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन थाने पहुंचे और उसे घर ले गए। घटना बुधवार को दोपहर में हुई। तो मेडिकल स्क्वायर के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। उधर एक महिला उसकी मोपेड स्कूटर लेके पेट्रोल भरने के लिए आई थी। उसने वो टंकी उसकी पेट्रोल की फुल की और उसका उसके पैसे के बारे में वो देने से मना किया। वो वास्ते उधर जो पेट्रोल भरने वाली महिला कर्मचारी है उन्होंने कैशियर को बुलाया। कैशियर ने उसके बारे में पैसे के बारे में पूछा तो गाली गलौज की, हाथापाई की और बाद में पुलिस स्टेशन में वो पेट्रोल कर्मचारी पेट्रोल पंप के कर्मचारी और वो महिला जब पुलिस स्टेशन में आई तो पेट्रोल कर्मचारी महिला ने जो कंप्लेंट दी वो हिसाब से अदखल पात्र गुन्हा का स्वरूप गुन्हा दाखिल किया है। तो उसके बाद जो विरोधक है अदखल पात्र गुन्ने में जो विरोधक है महिला उसने कुछ उसको कुछ मारपीट हुआ इस बारे में कुछ तकरार नहीं दी थी। उसके बाद में मालूम पड़ा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके घर वाले को संपर्क किया। बाद में उसके पति आने के बाद उस बारे में पति ने माफ़ी भी मांगी और वो जो पैसा पेट्रोल का है वो देने का वादा किया और उसका ट्रीटमेंट मानसिक स्थिति उसका ट्रीटमेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू है ऐसा पति ने बताया। तो बाद में ये वीडियो वायरल होने के बाद जो उनको संपर्क किया है उनका जो कंप्लेंट है वो हिसाब से अपन आगे वाली कार्रवाई कर लेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसम्बी से नागपुर का फल बाजार सज गया है। नींबू से बड़े साइज की मौसम्बी ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है, वही किसान भी मौसम्बी का उत्पादन ले रहे हैं। नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं, वही संतरों के साथ साथ अब किसान मौसम्बी का उत्पादन ले रहे हैं। इस नींबू वर्गीय फल की ओर किसानों का आकर्षण बढ़ रहा है, लेकिन पिछले बार हुई अतिवृष्टि से फलों का काफी नुकसान हुआ था। नागपुर के कलमना मार्केट में रोज करीब 80 से 100 टेम्पो मौसम्बी बिक्री के लिए किसान आते हैं। मौसम्बी का दाम 18 से 23 रुपए किलो है। याच्यामुळे आम्हाला तो भरपूर लॉस झालेला आहे। मौसम्बी खपायला पाहिजे होती आता 30 ते 40 दरम्यान, 40,000 रुपये टनाच्या दरम्यान खपायला पाहिजे होती, पण आता आज आमची मौसम्बी खपली 20 ते 22,000 रुपये टन, याच्यामुळे आमचा 17-18,000 रुपयाचा भयंकर लॉस झालेला आहे। और रही बात मौसम्बी, अभी ये जो 5-7 साल में जिस हिसाब से यहाँ पे वेदर की मौसम्बी की डिमांड उठी है, जितनी मजबूती इस मौसम्बी में है, मैं नहीं समझता ना इसके मुकाबले में आंध्रा की मौसम्बी सामने ठहर सकती, ना इसके सामने में आप मराठवाड़ा की मौसम्बी को बोल सकते हैं। नो डाउट मराठवाड़ा वाला मौसम्बी जो भी है वो भी पतला छिलका होती है, मीठी भी होती है, लेकिन हमारे जो वेदर में जो किसानों ने डेवलप की है मौसम्बी, इसकी मौसम्बी इतनी मजबूत होती है कि आप यहाँ से सिलीगुड़ी, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह यहाँ से विदर्भ की मौसम्बी को बहुत पसंद किया जा रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में जारी है। लेकिन बस यही है कि बीच में जो बरसात होने के कारण ऐसा हो गया कि वो काफ़ी अंदर रोड इतना ज़्यादा बरसात हुई है जो आज से 1-1.5 महीना पहले, उसमें काफ़ी मौसम्बी तो है ना ऐसा हो गया कि तो तोड़ने की स्थिति में भी नहीं थी, है ना अंदर ट्रैक्टर जा सकता था ना अंदर लेबर जा सकती थी, क्योंकि इतना कीचड़ और इतना बरसात से बहुत खराब हुआ है। ये तो इस समय ये दुर्भाग्य है कि जो आज विदर्भ की मौसम्बी आज सिर्फ यहाँ पे समझ लो 18 रुपए से लेके 24 रुपए तक बिक रही है, नहीं तो ये समय में मेरे ख्याल से ये मौसम्बी की कम से कम वैल्यू यहाँ पे रहना चाहिए 30 रुपए से 40 रुपए मेरे हिसाब से। प्याज उत्पादक किसान संकट में है। बेमौसम बरसात की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई, जिस कारण किसानों को प्याज का अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। पिछले सप्ताह समुद्र में कम दबाव का पट्टा बनने से राज्य भर में विविध जगह कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हुई, जिस कारण बुलढाणा जिले में मौसम में बदलाव हुआ। ऐसे में हरभरा और तुअर की फसल पर बड़ा असर हुआ, वहीं प्याज उत्पादक किसान भी परेशान हैं। बुलढाणा जिले में प्याज की फसल बड़े पैमाने में ली जाती है, लेकिन बारिश की वजह से जमीन में प्याज पूरी तरह बढ़े ही नहीं, जिस कारण उत्पादन में कमी आई है, जिस कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकल पाया है, जिस कारण किसान काफी चिंतित है। मी माझ्या शेतामध्ये 1 एकरमध्ये कांद्याची लागवड केलेली होती। सुरुवातीपासून मला आजपर्यंत जवळपास काढणीपर्यंत 25 ते 30,000 रुपये खर्च झालेला आहे, पण या सतत धुई धुक्यामुळे वातावरणाच्या बदलामुळे मला निम्मेही उत्पन्न मिळू शकत नाही, माझा खर्चही मिटू शकत नाही। डोळ्यात अक्षरशः कांद्यानं पाणी आणलेलं आहे साहेब। कांदा म्हणसाल तर या धुई धोक्यामुळं त्याची साईजही वाढलेली नाही आहे। तुम्ही बघू शकता की ही परिस्थिती आहे, काय मिळणार शेतकऱ्याला। आज रोजी कांद्याचे भाव 7 रुपये 8 रुपये पण नाही आहे, 100 ते 150 रुपयाला गोणी चालली या कांद्याची, त्याच्यामुळं सगळं शेतकऱ्याचं नुकसानच आहे साहेब आमचं। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना में हेराफेरी करने पर विवाद खड़ा हो गया है। कोरोना के प्रकोप के कारण हर 10 साल में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। इस वर्ष भी जनगणना होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होने की उम्मीद थी। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुई। इस बीच केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने 30 जून तक जिलों, तहसीलों, शहरों और गाँवों की प्रशासनिक सीमाओं को नहीं बदलने का आदेश दिया था। उसके बाद 31 दिसंबर तक सीमा कायम करने का आदेश दिया गया, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इसी साल काम शुरू हो जाएगा। हालांकि दिसंबर का पहला हफ्ता उलट दिया गया है,
लेकिन अभी भी केंद्र की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पूरे देश में आरक्षण पर बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए ओबीसी के एम्पीरियल डाटा जमा करने का आदेश दिया, इसलिए ओबीसी की जनगणना की मांग बढ़ रही है। यह मांग कई वर्षों से की जा रही है। यह जानकारी 2011 के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण में ली गई थी, हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जनगणना के दौरान ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना की मांग की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी की अलग से गिनती नहीं की जाएगी। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जनगणना के लिए एक आवेदन पत्र भी तैयार किया गया है और यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कॉलम है। अन्य जातियां शामिल नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि ओबीसी की गिनती नहीं की जाएगी। नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन की तलाशी लेते हुए एक एमडी ड्रग्स तस्कर को अपने हिरासत में लिया है। आरोपी बिना हेलमेट के वाहन चला रहे एक युवक को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, जहां पूछताछ के दौरान उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी की डिक्की से 1,10,000 रुपए का एमडी पाउडर पुलिस ने बरामद किया है। नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन की तलाशी लेते हुए एमडी ड्रग्स तस्कर को अपने हिरासत में लिया है। आरोपी बिना हेलमेट वाहन चला रहे एक युवक को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, जहां पूछताछ के उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी की डिक्की से 1,10,000 रुपए का एमडी पाउडर पुलिस ने बरामद किया। ट्रैफिक पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है, जबकि गुरुवार की दोपहर कृपलानी चौक पर बिना हेलमेट वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। यातायात विभाग के बड़ी जोन के सिपाही प्रफुल्ल बंदेरे व विशाल हेटे ड्यूटी पर तैनात थे। कृपलानी चौक पर करीब 23 वर्ष का एक युवक अजनी रोड पर दोपहिया वाहन पर सवार था। पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर उसे रोका। पूछताछ करने पर पुलिस को उसकी हरकत पर शक हुआ। चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब पुलिस सिपाही राहुल टपरे, सुनील अतकरी और शिवहरी घुगे ने उसके वाहन की डिक्की की तलाशी ली। एक नीले बैग में एक छोटा सा पाउच मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वजन और सफेद पाउडर था। इसमें छोटी पाउच, चम्मच और पैकिंग के लिए छोटा लॉक पाउच भी मिला। फौरन धंतोली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे धंतोली थाने ले आई। वहीं शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एमडी की कीमत 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।